से बैठा करेगा। बाहर वाले की वोट्स के आधार पर नीरज और शिवानी घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए। वोटिंग लाइंस बंद हो चुकी हैं, दर्शकों का फैसला आ चुका है, लेकिन दर्शकों का फैसला सुनाने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आपके मुताबिक इन दोनों में से किसे आज घर से बेघर होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके मुझे बताएं। अरमान सर, मुझे लगता है कि शिवानी को होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती है और जब भी कोई इससे बात करना चाहता है तो ये पहले अपनी बातें सुनाती है और सुनती नहीं है कान खोल के। इसलिए मुझे लगता है कि शिवानी को जाना चाहिए। साइकेटर शिवानी, कारण? छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाती है, कभी कभी बात करने का तरीका उसे आता नहीं है, इसलिए। रणबीर, बिग बॉस मेरे लिए डिसीजन मुश्किल है क्योंकि दोनों ही मैं जानता हूं दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं भी अरमान और साई के साथ सहमत हूं कि अगर मुझे चूज करना पड़े तो शिवानी चूज करूंगा जाने के लिए। और रीजन भी वही है कि वो थोड़ी मुंहफट हैं और अक्सर वो तमीज से बात नहीं कर पाती हैं। सना सुल्तान, बहुत टफ डिसीजन है बिग बॉस। शिवानी, इसकी वजाहत ये है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी अभी शिवानी थोड़ा बाहर आके खेलने लगी है इंडिविजुअली। बीच में मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि वो अंदर छुप रही है, बट अगर वो पहले की बात किया जाए तो उस हवाले से शिवानी, बिकॉज तभी मुझे उसकी इंडिविजुअलिटी दिख के नहीं आ रही थी, तो अभी के लिए मैं शिवानी को वोट करूंगी। मेरे लिए भी शिवानी है क्योंकि आई थिंक वो थोड़ी सी रिएक्ट करती है, सुनती नहीं है, पर मैंने बहुत बार कोशिश किया उससे बात करने के लिए। अभी हाल ही में वो थोड़ी बहुत सुन रही है, बट आई डोंट नो ये कब तक चलेगा, तो शिवानी। कृतिका सर, दोनों ही मेरे अच्छे दोस्त हैं, पर मैं शिवानी की तरफ बोलूंगी क्योंकि शिवानी थोड़ी सी इमेच्योर है और चीजों को लेकर समझदार नहीं है, अगर मैं कंपेयर करती हूँ नीरज भैया से। तो मुनीषा सर, मेरा भी वोट शिवानी के लिए है, एंड मेरा एक पर्सनल रीजन है क्योंकि मुझे जो पर्सनल ऑरा और वाइब्स नीरज जी से बहुत पॉजिटिव मिलते हैं, सो मेरा रीजन थोड़ा अलग है। चंद्रिका, गैस बंद कर दो विशाल प्लीज। बिग बॉस सीरियसली बहुत ज्यादा मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि फर्स्ट डे से वो मेरे बहुत ज्यादा, मतलब हंसी है, खाना साथ बनाया, हर चीज करा, मतलब रीजन पूछ रहे हैं वो। ओह माय गॉड, नीरज भैया, क्योंकि इतना उनके साथ अभी मतलब लाइक ना किचन में साथ में, अधिकतर मैं किचन में हूँ या एक्टिविटी सारी चीजें हैं, तो मुझे लगता है शिवानी ने मेरे मतलब ज्यादा उधर दिया है हर चीज है, तो नीरज भैया। बिग बॉस, मेरे लिए भी नीरज भैया है क्योंकि शिवानी एंटरटेन भी करती है, हमारी हेल्प भी करती है, तो मेरे लिए नीरज भैया।
सना मकबूल सर, मेरे लिए भी शिवानी मैं बोलूंगी. वो लोग उसको बोल रहे हैं इमेच्योर है, ये यू नो इमेच्योर है, चिड़चिड़ापन है, बट आई थिंक वो अपने लिए स्टैंड लेती है जहां उसे समझ आता है कि मुझे बोलना चाहिए, तो मेरे लिए नीरज भैया होंगे. आई वुड वांट शिवानी टू स्टे. आपने दोनों का ही नाम ले लिया है. नहीं, मैंने कहा मैं चाहती हूं कि शिवानी रहे, नीरज भैया जाए. शुक्रिया सना मकबूल. कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कंफ्यूजन फैलाने का क्लॉज था. नेजी. शिवानी क्योंकि उनकी भाषा शायद मुझे समझ में नहीं आती है और घर वालों को भी थोड़ा मुश्किल होता है उनकी भाषा समझना. बहुत अच्छी इंसान है. मैं नहीं चाहता कि वो घर से बेघर हो जाए, लेकिन दोनों में से एक का नाम तो लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं शिवानी का नाम लूंगा. लवकेश. सर मेरी बॉन्डिंग दोनों से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर फिर भी एक का नाम लेना पड़े तो कंपैरिजन करूं तो मेरे नीरज भाई के साथ ज्यादा बॉन्डिंग है, तो आई वुड लाइक कि शिवानी यहां ना रहे. विशाल. सर से मेरी भी दोनों के साथ बहुत बनती है और कोई भी जाएगा तो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, लेकिन मुझे मालूम है कि नीरज भैया उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे अगर हुए तो मैं नीरज भैया को वोट देता हूँ. मतलब क्या हुआ? रखना चाहता हूँ, मतलब नीरज भाई को भेजना चाहता हूँ शिवानी को स्टे कर रहा हूँ. तो आपके कहने का मतलब क्या है कि आप किसी को इस वजह से बेघर करना चाहते हैं कि वो एलिमिनेट होने को ठीक से हैंडल कर पाएगा, यही वजह है? सर मेरे ख्याल से वो बच्ची और उसको वो चीज बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी आगे तक, इसीलिए. बिग बॉस कमाल है डिप्लोमेसी का. रीजन थोड़ी है ये, कोई मेरा रीजन है, फालतू का रीजन है ना भाई, जो तो आपके लिए होगा सर. नहीं भाई आप मेरे रीजन में मत बोलो, वो मैं बिग बॉस मेरे को बोल देंगे, बिग बॉस बोलेंगे चलेगा, आप मत बोलो. कोई बात नहीं, बिग बॉस के बाद बोल देंगे. ओके. दीपक. बिग बॉस मेरे लिए बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि नीरज भाई वो शख्स हैं जो मुझे रात में आधे जगे रहते हैं, क्योंकि मुझे वॉशरूम न जाना हो, मुझे कपड़े बदलने से लेके हर काम नीरज भाई कराते हैं, और शिवानी जो है वो मेरे लिए छोटी बहन की तरह है. तो ये दोनों मेरे पर्सनल बहुत फेवरेट हैं अगर व्यक्तिगत तौर पर बात की जाए. क्योंकि आपने कहा है कि कुआं और खाई दोनों है, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, एक में तो कूदना ही है. मेरे पर्सनल चॉइस होती तो शायद मैं इन दोनों में से किसी को नॉमिनेट न करता, लेकिन आपका सवाल है तो मैं अपनी रीजनिंग के साथ ये आपको समझाना चाहूंगा कि नीरज भाई का एक अपना व्यक्तित्व है, नीरज भाई इंटरनेशनल लेवल के एक बॉक्सर हैं. शिवानी मैं मानता हूं कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी बात नहीं समझ आती है उन्हें, लेकिन शिवानी जिस लैंग्वेज को बोलती है, शिवानी जिस भाषा को बोलती है, वो भारत के एक बड़े भूभाग को समझ आती है. और शिवानी जो है, नीरज भाई मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर मुझे चॉइस दी जाए और मैं मुझे किसी को एलिमिनेट करना हो तो मैं चाहूंगा कि नीरज भाई जो है वो इलिमिनेट हो और शिवानी स्टे करे. क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग घर के बाहर ऐसे होंगे जो हमारे इस प्रोग्राम को देखते होंगे और शिवानी से बहुत ज्यादा रिलेट करते होंगे. ऐसा मैं ये नहीं कह रहा नीरज भाई से नहीं करते होंगे, लेकिन अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए कि रिलेशन वाइज किसका रिलेशन उन लोगों से ज्यादा बेहतर बनेगा, किसको अपने बेहद नजदीक पाएंगे, तो मुझे शिवानी लगता है.
14 में से 9 सदस्यों को लगता है कि शिवानी को बेघर होना चाहिए। इसने दिमाग में घुसाया सर जी।